गुड आफ्टरनून, हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप क्या करो, टेस्ट बाद में लिखो और टेस्ट मुझे आपको भेजना है। तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने कल ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजा है। प्रॉब्लम नंबर कौन सा है? अभी सॉल्व कर रहे वो, अभी 10 सम सॉल्व कर रहे हैं। आया है ना? फिर से भेजता हूँ। हाँ, कल 9th किया ना, आज 10th। ग्रुप पे है ना, ग्रुप पे 10 प्रॉब्लम। ठीक है, तो 10 प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। अच्छा, सबको स्क्रीन दिख रहा है? मेरी आवाज आ रही है? ओके, मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। प्रॉब्लम है, अ कंपनी इज हैविंग 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2। द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2015 आर एज फॉलोज। ओके, तो आपको खर्चे दिए, सुपरविजन, फायर इंश्योरेंस, पावर, लाइट, रेंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, और नीचे बेसिस दिए हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल फॉर अबाउट डिपार्टमेंट, फ्लोर स्पेस एरिया, नंबर ऑफ वर्कर्स, HP ऑफ मशीन्स मतलब हॉर्स पावर, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट का लेने का है। वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ स्टॉक, लाइट पॉइंट्स, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, प्रॉब्लम नंबर 10। स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, फॉर्मेट बनाते हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए बी और सी। सर्विस डिपार्टमेंट है S1 S2। तो ये हेडिंग्स है, अभी फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर,
तो ये बॉर्डर बनाया, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला बेसिक का कॉलम, उसके बाद टोटल से लेके बाकी सब कॉलम्स, तो ये रूलिंग करके हो गया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सुपरविजन, सुपरविजन जो है ये आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स पे, और इसकी टोटल है 30,000। उसका जो रेशियो है 20, 10, 10, 15, 5, 20, 10, 10, 15 और 5 की टोटल आएगी 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5, टोटल 60 है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके 500 इंटू 20 10,000, पाँच सौ इंटू दस पाँच हज़ार, 500 इंटू 15 साढ़े 7, 500 इंटू 5 2,500। ठीक है, तो सबसे पहला सुपरविजन डिवाइड किया, सुपरविजन के बाद फायर इंश्योरेंस है, वैल्यू ऑफ स्टॉक पे डिवाइड करने का है। वैल्यू ऑफ स्टॉक है 15,900, अमाउंट है 10,000। ये तीनों की टोटल 30 डिवाइड करेंगे। अभी ये पॉइंट में आ रहा है तो कैलकुलेटर वाला टेक्निक यूज करना है। मैंने आपको बोला था पहले डिवाइड करो, 10,000 डिवाइडेड बाय 30, फिर ये आंसर आएगा 333.333। अभी क्या करने का, इनटू दो बार दबाने का, इनटू दो बार दबाओ और फिर क्या करो, इनटू दो बार दबा के 15 और इक्वल टू डालो, 15 और इक्वल टू दबाएंगे तो 5,000 मिलेगा, फिर 9 और इक्वल टू दबाओ 3,000 मिलेगा, और 6 और इक्वल टू दबाओ आपको 2,000 मिलेगा। तो ये 5, 3 और 2, ये सबको समझ में आ गया, पॉइंट में आ गया, इसके लिए कैलकुलेटर का टेक्निक यूज़ किया। ओके, उसके बाद फायर इंश्योरेंस के बाद पावर आएगा, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, और ये जो है अमाउंट 18,000, उनका टोटल है रेशियो 8, 5, 2,
टोटल लेंगे 8 + 5 + 2 = 15, डिवाइड करेंगे 1200, मल्टीप्लाई करेंगे 1200 × 8, 1200 × 5, 1200 × 2, 2 next day light डिवाइड करेंगे लाइट पॉइंट्स 4 2 2 1 1, लाइट की टोटल है 6000 और रेशियो की टोटल 4 + 2 + 2 + 1 + 1 = 10, डिवाइड करेंगे 600, छः सौ × 4 = 600 × 2, 600 × 2, 600 × 1, 600 × 1 दो बार, 2 answer. Next is rent. Rent divide करेंगे floor space 15 10 9 5 1, 15 10 9 5 1, और रेंट की अमाउंट है 10000, रेशियो की टोटल लेते हैं 15 + 10 + 9 + 5 + 1, टोटल 40, डिवाइड करेंगे 250 × 10, 250 × 9, 250 × 5, 250 × 1, ठीक है। तो ये रेंट डिवाइड किया, रेंट के बाद है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस,
रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आएगा, वैल्यू ऑफ प्लांट, अमाउंट है 17,000, रेशियो 12, 9, 6, 3, 4, टोटल लेते 12 + 9 + 6 + 3 + 4, 34 डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके 500 मल्टीप्लाई करेंगे 500 × 12, 500 × 12, 500 × 9, 500 × 6, 500 × 3, 500 × 4, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 8,500, सेम रेशियो में आएगा वैल्यू ऑफ प्लांट के, अमाउंट है 8,500, टोटल 34 डिवाइड करेंगे 12 करेंगे 9, 9 फिर 6, 3, 4, ओके okay, और लास्ट में डायरेक्ट वेजेस लेने को भूलना नहीं है, डायरेक्ट वेजेस अपने को दिया है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट वेजेस दोनों की टोटल 2,000 है, 1,000, 1,000, 2,000, सर्विस डिपार्टमेंट का लेंगे 1,000, 1,000, तो इधर तक किसी को भी डाउट्स है, सबको प्रॉपर समझ में आ गया? नो no. सबको क्लियर है ना? हाँ
टोटल लेते हैं, टोटल 1,01,500, बाकी की टोटल 39,750, 24,450, 17,350, 12,600, 7,350 टोटल है। इसको नाम देंगे टोटल, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अगला प्रॉब्लम लेते हैं, ओके। और एक प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजता हूँ,
ओके मैंने तुम लोग को प्रॉब्लम ग्रुप पे भेज दिया है, पढ़ता हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम है, अ कंपनी हैज थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई एंड जेड एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट एस वन एस टू। द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंसेस आर अवेलेबल: स्टाफ कैंटीन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस ऑन मशीनरी, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, पावर, रेंट एंड रेट्स, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, बिल्डिंग रिपेयर्स। और बेसिस क्या क्या अवेलेबल है, अदर टेक्निकल डिटेल्स एंड अदर डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज। तो आपको क्या क्या दिया है, फ्लोर स्पेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, एच पी ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन, शो हाउ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, शो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। यह है इलुस्ट्रेशन नंबर 12। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। फिर फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट है। अभी इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड और एस वन एस टू। तो फॉर्मेट ड्रॉ करके हो गया। अभी बॉर्डर बनाते हैं, रूलिंग करते हैं। बॉर्डर बनाए, अभी रूलिंग करेंगे। सबसे पहला बेसिस का कॉलम, उसके बाद बाकी के कॉलम, तो रूलिंग करके हो गया। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है स्टाफ कैंटीन एक्सपेंसेस। इसमें बहुत सारे आइटम्स तुम लोग के नए हैं, स्टाफ कैंटीन एक्सपेंसेस ये आएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स पे। उनकी अमाउंट है 2,00,000 और उनका जो रेशियो है दस पंद्रह पंद्रह पाँच और पाँच। दस पंद्रह
15, 5 और 5, इनका टोटल लेते हैं 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 5, इनकी टोटल 50, डिवाइड करेंगे 4000, मल्टीप्लाई करेंगे पहले 10 से, फिर 15, पंद्रह दस पंद्रह फिर से पंद्रह 5 और 5, तो ये कैंटीन एक्सपेंसेस डिवाइड किया। उसके बाद अगला है इंश्योरेंस ऑन मशीनरी। इंश्योरेंस ऑन मशीनरी कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे आएगा। इंश्योरेंस की अमाउंट है 12 लाख और इनका जो रेशियो है कॉस्ट ऑफ मशीनरी का 5:2:1:1:1। फाइव टू टू इज टू वन इज टू वन। अभी इनकी टोटल लेते हैं 10, डिवाइड करेंगे 120,000, सबसे पहला 5 है, फिर 2 है, फिर 1:1:1, पाँच दो एक 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 में डिवाइड किया, उसके बाद इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग। इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग आएगा फ्लोर स्पेस
फ्लोर स्पेस का रेशियो है 10, 20, 30, 10, 10। इंश्योरेंस की अमाउंट है 3 लाख और इनकी टोटल दस प्लस बीस प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 10 80 डिवाइड करेंगे 3750 3,20,000 है 4,000 आ गया। दस बाद में बीस बाद में तीस फिर 10 और 10 फिर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस नंबर ऑफ वर्कर्स नंबर ऑफ वर्कर से ऊपर हम लोग ने निकाला है ऑलरेडी 6 लाख और उसको 50 से डिवाइड करना है 12,000 इंटू 10 12,000 × 5 तो ये हो गया स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। उसके बाद पावर
पावर आएगा एचपी ऑफ मशीन, मतलब हॉर्स पावर ऑफ मशीन, तीस बीस पच्चीस, पंद्रह और दस, पावर की अमाउंट है 8,80,000 और इनकी टोटल 30 + 20 + 25 + 15 + 10, सो आठ हजार आठ सौ मल्टीप्लाई बाय 30 30 आ गया, बाद में 20, फिर 15, पच्चीस, पंद्रह और दस, तीस बीस पच्चीस पंद्रह, और ये दस करना है, पावर के बाद है रेंट एंड रेट्स, एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक अभी दिख रही है, अभी नहीं दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है ना, ओके, रेंट एंड रेट्स आएगा फ्लोर स्पेस, उसकी अमाउंट है 6,40,000 मल्टी डिवाइड करेंगे 80 से, डिवाइड करके 8,000 मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 10 इनटू 20 इनटू 30 इनटू 10 इनटू 10, ठीक है,
उसके बाद रेंट एंड रेट, के बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आएगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी। छह लाख को दस से डिवाइड करेंगे, 60,000 इंटू पांच इंटू दो इंटू एक इंटू एक, उसके बाद बिल्डिंग रिपेयर्स, बिल्डिंग रिपेयर्स फिर से फ्लोर स्पेस पे जाएगा। टोटल 3 लाख है, डिवाइड करेंगे 80 से, 3750 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 10 टोटल आ गया। अभी फाइनल टोटल लेते हैं, नाम देते हैं टोटल। सबसे पहले टोटल का टोटल, और इधर वेजेस नहीं है ना, वेजेस वगैरह कुछ नहीं है, इतना ही है। ठीक है, टोटल लेते हैं। $47,40,000 टोटल, बाकी सबकी 14,81,500, 10,91,000, 11,12,500, 549,500, 5,05,000। ठीक है, टोटल क्लोज करते हैं। ये क्लोज हो गया। आज का टेस्ट दे देना सब लोग, ओके। कल फिर से टेस्ट होगा अपना, ओके। थैंक यू।